इंदौर मामले पर ओवैसी की टिप्पणी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ओवैसी विघटन की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं। ओवैसी की हैसियत और औकात नहीं है कि एमपी की जनता का माहौल उड़ाएं। इंदौर मामले पर ओवैसी के बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ओवैसी विघटन की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं। ओवैसी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करते हैं, वे बहुसंख्यक का अपमान करते हैं, विघटन और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ओवैसी अनर्गल और संविधान की भावनाओं के खिलाफ बात करते हैं। ओवैसी की हैसियत और इतनी औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का माहौल उड़ाएं। ओवैसी एक तुच्छ नेता हैं। ओवैसी जैसे नेताओं के बारे में बात करना मतलब अपना समय बर्बाद करना है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, लेकिन तुष्टिकरण करने वाले लोग बवाल खड़ा करते हैं। देखिए, ओवैसी जैसे देशद्रोही की टिप्पणी पर टिप्पणी करना मैं अपना समय बर्बादी मानता हूँ। जो व्यक्ति विघटन की राजनीति करता हो, जो व्यक्ति तुष्टिकरण की राजनीति करता हो, जो व्यक्ति केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज के खिलाफ खड़ा होता हो, जो अनर्गल बातें करता हो, जो संविधान की भावनाओं के खिलाफ राजनीति करता हो, उस व्यक्ति की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। ओवैसी का ये बयान मध्य प्रदेश सरकार का मखौल नहीं है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है उसका मखौल है, और ओवैसी की इतनी औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, और मध्य प्रदेश की जनता ने केवल इस बार नहीं पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ओवैसी जैसे छोटे और तुच्छ नेता जिनकी औकात नहीं है वो इस तरह की बातें करेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे। ओबीसी को पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होता है वो नहीं दिखता। ओबीसी को दिल्ली में जब दंगा होता है और उत्तराखंड के एक व्यक्ति को आम आदमी पार्टी के पार्षद द्वारा सरे राह मार दिया जाता है वो नहीं दिखता। उसे केवल तुष्टिकरण करना है। पर ऐसे ओबीसी जैसे नेता बहुत सारे आते हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। ऐसे तुच्छ और इस तरह के नेताओं के बारे में बातचीत करना भी अपनी समय बर्बादी है। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।